एपिसोड नंबर 276 276। सागर तट पर श्रीराम की सेना डेरा डाले हुए है। रीछराज जांबवान वानर सेना को उपदेश कथाएं सुना रहे हैं। समीप ही पर्वत कंदरा में भूखे बैठे जटायु के भाई वृद्ध संपाति हर्षित होते हैं कि आज घर बैठे विधाता ने उनके लिए आहार भेज दिया। कंदरा से बाहर संपाति को देख वानर भयभीत होते हैं, किंतु अंगद को जटायु का स्मरण हो आता है जिन्होंने प्रभु सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने छोटे भाई जटायु के प्राण विसर्जन की बात सुनकर संपाति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे सागर तट पर भाई को तिलांजलि देकर युवावस्था की अपनी और जटायु की उस उड़ान की कथा सुनाते हैं जब दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु तो थककर लौट आए थे, किंतु युवावस्था के उत्साह में स्वयं उन्होंने अपने पंख जला लिए थे। उनका उपचार करने वाले दयालु सन्यासी चंद्रमा ने उन्हें तब आश्वस्त किया था कि त्रेता युग में स्वयं परम ब्रह्म के दूतों से मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। आज वही अवसर आ गया था। संपाति ने अपनी गीत की दूरदृष्टि का लाभ उठाया और उस स्थान का पता बताया जहां रावण ने सीता को छिपा रखा था। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर महि गो द्विजला सगुन उपासक संगतः रही मोक्ष सब त्याग। विधि कथा कहि बहु भांति गिर कंदरा सुनी संपाति बाहर होई देखि बहु कीसा मोहि आहार दीन जगदीसा आज सब ही कह भक्षण करूं दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं कबहु न मिली भरी उदर आहारा आज दीन विधि कही बारा चन सुनी काना अब भामरन सत्य हम जाना कपि सब उठे गीध कह देखी जामवंत मन सोच बिसेखी कह अंगद बिचारी मन माही धन्य जटायु सम को नाही राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयउ परम पर भागी सुनि खग हरष शोक जुत बानी
आवा निकट कपिन भयमानी। तिन्हीं अभय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि परनी। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबी मैं, वैहहुँ खोजहु जाहि। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहूं कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेही ज्ञान सुनावा, देव जनित अभिमान छड़ावा। ब्रह्म मनुज तनु धरी, ता सुनारी निसिचर पति हरी। ता सुखोज पठई प्रभु दूता, तिन्हीं मिले तै होब पुनीता। जमिहि पंख करसी जनी चिंता, तिन्हीं देखाई देह सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैया जू, सुनि मम बचन करहूं प्रभु काजू। त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपबन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहई। तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करते
अछुक सहाय तुम्हारा।